मुझसे शादी करोगी? उसका अफेयर चल रहा है। क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? इसका मतलब ये तो है। मेरा नाम है प्रवीण और मूव स्टोरीज कवरी के बीच में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वन साइडेड लव वाली कोरियन ड्रामास के बारे में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और सेकंड वाली ड्रामा तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो हाँ, जाए इससे बात, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्किप करने की कोई जरूरत नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पे अगर आप लोग नए हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस तो आते ही रहते हैं। बाकी ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 लव अलार्म, जो कि 2019 में आई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे IMDb की तरफ से 6.6 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी की अगर बात करें, स्टोरी है कुछ लोगों की। दरअसल एक ऐप होता है जिसका नाम होता है लव अलार्म, जिसका काम यही होता है कि अगर आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लिए और अगर आप उस इंसान के पास चले गए जो कि आपके लिए फील करता है, तो वो अलार्म बजेगा वो ऐप पे। ये बेसिक सी स्टोरी है ये ड्रामा की। एक स्वीट सी इनोसेंट सी लड़की है जिसके ऊपर दो लड़कों का दिल आ जाता है, तो उसे उन दोनों में से एक को चुनना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो किसी एक को चुनेगा तो दूसरा का दिल टूटने वाला है। तो आखिर वो अब क्या करेगी और क्या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखनी पड़ेगी। इस कोरियन ड्रामा के टोटल 2 सीजन है और सीजन 1 में करीब 8 एपिसोड है। और बात करें अगर पर एपिसोड के ड्यूरेशन की, तो इसमें 45 से 50 तक की लेंथ है। तो हाँ, आप इसे चाहे तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी डब के साथ। बाकी चाहे तो जुगाड़ लगा सकते हैं। और हमारे नंबर 4 पे आती है रोमांस इजी बनोसबो, जो कि 2019 में आई थी। ये एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb की तरफ से 8 की रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी की अगर बात करें, तो स्टोरी है चाहुन हो, एक सफल और सुंदर लेखक की, जो कि एक एड कंपनी में सबसे कम उम्र के मुख्य संपादक भी है। वो एक शांत स्वभाव वाला आदमी है। कुछ दिन बाद वो एक पुराने दोस्त से मिलता है जो कि कभी फेमस कॉपी राइटर हुआ करती थी, पर वो अभी तलाकशुदा है। एक बच्चे की माँ होने के साथ साथ वो एक बेरोजगार भी है। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई होती है। वो नौकरी ढूंढने की तो कोशिश करती है पर उसे मिलती नहीं है, जिसके बाद वो अपने दोस्त को झूठ बोलती है और उसे एक नौकरी भी मिल जाती है। पर उसके इस झूठ के बारे में उसके दोस्त को पता चलेगी तो क्या होगा, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखनी पड़ेगी। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है और पर एपिसोड करीब 1 घंटे की है, तो आप इसे चाहे तो नेटफ्लिक्स से देख सकते हैं। नंबर 3 होटल डेल लूना, जो कि 2019 में आई थी। ये एक कॉमेडी रोमांस कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली। इस कोरियन ड्रामा की अगर स्टोरी की बात करें, तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक होटल लूना से, होटल डेल लूना से, जिसके गेस्ट भूत होते हैं और जो इंसान होते हैं वो इस होटल को देख नहीं सकते हैं। हाँ, अगर चंद्र ग्रहण हो या फिर कोई भूत उनको इन्विटेशन दे तो वो लोग देख सकते हैं। और देखा जाए तो मरने के बाद जो कोई रास्ता भटक जाता है तो वो लोग भी वहाँ पे जाते हैं, वो होटल में। वहाँ पे एक मैनेजर होती है जो कि उन्हें 2 ऑप्शन देती है, जो कि रुकने के लिए जगह देती है और पुनर्जन्म तक की वो गाड़ी प्रोवाइड करती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपकी आखिरी ख्वाहिश कोई होती है तो, या फिर आपको कोई इंसान से बदला लेना हो तो, उनकी स्टाफ उसके लिए भी हेल्प करेगी। पर एक शर्त है कि वो लोग कभी इंसानों की जान नहीं लेते, तो अगर कोई ऐसा किया तो वो पुनर्जन्म तो होगा उसका, पर वो इंसान या फिर कोई अच्छी जिंदगी नहीं मिलेगी उसको, कुत्ता या फिर सुअर होगा वो अगले जन्म में। और वही हमें एक फादर और सन की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक फादर पैसों के लिए चोरी करता है और वहाँ चोरी करते करते उसकी जान चली जाती है, जिसके बाद वो वही होटल पहुँच जाता है जहाँ पे भूत होते हैं। फिर जो कहानी में ट्विस्ट वगैरह होती है, तो आखिर क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखनी पड़ेगी। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है और पर एपिसोड करीब 1 घंटे की है। तो हाँ, आप इसे चाहे तो अमेज़न प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स या फिर आप डिज्नी प्लस स्टोर शॉप पे देख सकते हैं। और हमारे नंबर 2 पे आती है आवर बिलोव्ड समर, जो कि बहुत ही अच्छी कोरियन ड्रामा है। और ये कोरियन ड्रामा की बात करें तो ये 2021 में आई थी। ये एक मेलो ड्रामा रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली। इस ड्रामा की अगर स्टोरी की अगर बात करें, तो स्टोरी है स्कूलमेट्स की। कहानी 2 हाई स्कूल के स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्री से स्टार्ट होती है, जहाँ फीमेल लीड बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होती है और जो मेल लीड होता है वो थोड़ा सा बुद्धू होता है, जो कि एक एवरेज और बेफिक्री स्टूडेंट होता है।
दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, फिर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और करीब 10 साल बाद दोनों की जिंदगी एकदम से चेंज हो जाती है। जहां लड़की एक छोटी कंपनी की एम्प्लॉय होती है और लड़का जो कि एक बड़ा प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है। और कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब इन दोनों को फिर से वही डॉक्यूमेंट्री शूट करनी पड़ती है, वो भी एक मजबूरी के कारण, जिसकी वजह से इन दोनों को फिर से टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये दोनों इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और कैसे नहीं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखेंगे। इस ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, पर एपिसोड करीब 60 मिनट के। तो हाँ, आप इसे चाहे तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। और हमारे सबसे पहले यानी नंबर 1 पे आती है स्ट्रॉन्ग गर्ल बोंग सू, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है जिसे IMDb की तरफ से 8.2 की रेटिंग मिली है और ये 2017 में आई थी। इन औरतों को ये ताकत कई पीढ़ियों से विरासत में मिली है, ऐसे ये क्या क्या कर सकती हैं? तुम सोच भी नहीं सकते, इनके परिवार की सारी औरतें जाबाज और खतरनाक होती हैं। इस ड्रामा की स्टोरी की अगर बात करें, स्टोरी है डोंग सून के नाम के एक प्यारी सी लड़की जिसका जन्म एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ हुआ था, यानी कि सुपर पावर। देखा जाए तो उसकी ताकत वंशानुगत है जो कि उसके परिवार के महिलाओं को ही मिलती है। उसका एक ड्रीम होता है कि वो एक गेम बनाए, गेम में वो खुद ही एक मेन कैरेक्टर हो। तो क्या वो गेम बना पाती है या फिर नहीं, और इस कोरियन ड्रामा में कैसे लव स्टोरी स्टार्ट होती है, जानने के लिए आपको ड्रामा देखने मिलेगी। ड्रामा में टोटल 16 एपिसोड है, पर एपिसोड करीब 1 घंटे 7 मिनट के है। तो हाँ, आप इसे चाहे तो अमेजन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं, जय जगन्नाथ।